आउच भाई, गांड फाड़ दी। ओ भाई रेस रूस लग रही है मेरे हिसाब से। हट जा हट जा हट जा कबूतर, सही बता रहा हूँ, फैला के चले जाएंगे इधर को ये। सो इसके लुक्स कुछ ऐसे आ रहे हैं और 25,000 का पेयर है। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज लाए हैं हम अपनी सिम्बा को अच्छे से सजा वजा के। एंड तो सो मेन चीज़, बाकी चीज़ें हैं ठीक है, टेपिंग कराई है, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको अलग से दिख रही होगी एंड पीछे भी दिख रही होगी, जो इसके लुक्स को बहुत 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 ज़्यादा सेक्सी हो चुके हैं। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, बहुत ही भयंकर लग रही है बाइक। सो मैं बताने वाला हूँ मेरे को ये कहाँ से मिले, क्यों मिले, कैसे मिले और कितने के पड़े। सो पहले मैं बेसिक्स दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा है इसमें। सो एक तो ये थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा तब जाके प्रॉपर दिखेगा। एक तो ये ठीक है, ये मैंने खुद किया है ठीक है। मैंने शीट मंगाई, ये मैट रेड है एंड थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा भी वैसा लग रहा है। सो ये मैंने खुद करी है इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी भी है। एंड ये मैंने खुद किया है, इसके नीचे हट गया, ये वाला मैंने किया है खुद। एंड ये तो मैंने करवाया था वहाँ से। एंड सीरियसली बताऊँ, यहाँ पर मुल्ला बिल्डिंग पे अगर आप टेपिंग कराने जाओगे तो आपको मिनिमम टू मिनिमम, सिर्फ आप मानोगे नहीं, इस हेड करने के उन्होंने और ये थोड़ा सा ब्लैक करने के सिर्फ इसके उन्होंने 400 रुपये ले लिए थे। एंड पूरी शीट 300 की आती है, तो इससे बढ़िया खुद कर लो यार। सीरियसली ऐसा नहीं कि पैसे बचाने पर, कुछ ज़्यादा ही पैसे लिए जाते हैं, इतनी चीज़ ये करते नहीं है। सो फ्रंट लुक देख लो आप, कितना 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 सेक्सी आ रहा है। एंड सीरियसली ये सारा डिज़ाइन विज़ाइन सब कुछ, ये जो कलर वगैरह चूज़ करना, मैंने जब पूछा था लोगों से कि मैं रेड करा रहा हूँ तो सबका ऐसे था कि यार गंदी लगेगी, बट सीरियसली अब इतनी माल लग रही है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये तो हो गए टेपिंग की चीज़ें एंड बेसिक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ आगे का भी बता देता हूँ। ये जो ग्रीन है ना, इसके साथ भी मैं मतलब कुछ मिक्स करने वाला हूँ, या तो मैं ग्रीन की जगह पूरा रेड करूँगा या फिर इसमें ब्लू ऐड करूँगा, या जैसे भी जो भी सेक्सी होगा वो ही करूँगा। सो मेन चीज़ पे आ जाते हैं, जो है इसका रिम कवर या फिर जो भी कहते हैं उसको, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, दूर से ही दिख पाएगा, पास से पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हो ना, दोनों टायर भर चुके हैं बिल्कुल, ये और ये पूरा, और ये बहुत सेक्सी लग रहा है चलते हुए। सीरियसली इतना माल लग रहा है ना ये। एंड बता दूँ, ये दोनों ही मेरे को मिले हैं बर्थडे गिफ्ट में। सो इससे पहले भी मैंने ये ऑर्डर किया, खैर बाइक भी बर्थडे गिफ्ट ही है मेरी। सो टायर तो क्या ही कहना, पूरी बाइक बर्थडे गिफ्ट है मेरी। सो बता देता हूँ, ये जो कवर है ये मैंने जिस साइट से मैंने ऑर्डर किए है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप अपनी बाइक के लिए चाहते हो, खासकर सुपर बाइक के लिए। ये नॉर्मल बाइक्स के लिए तो अलग आते हैं एंड थोड़ा क्वालिटी उनके ज़्यादा अच्छी भी नहीं दे रहे हैं, एंड वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। कावासाकी के लिए, क्योंकि इसका टायर का रिम ठीक है 17 है इंच, बट वो वैसे भी थिक है, तो जो बेसिक्स आते हैं जो आप वैसे ऑनलाइन सर्च करोगे तो ऑनलाइन वाले आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कि इसके साइज़ के। इससे पहले मैंने दो मंगाए थे एंड दोनों के दोनों नहीं मिले थे। सो एक बार इसके फ्रंट लुक्स आप देख लो, क्या भयंकर आ रहे हैं यार, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। एंड ये साइड लुक्स है, साइड में ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं है, ये एरिया बचा है। ये इसका बैक लुक है, तो इसमें इतना कुछ मॉडिफाइड दिख नहीं रहा है। एंड मेन जो चीज़ें हैं वो है रिम। सो अब मैं बता देता हूँ मेरे को ये कहाँ से मिले। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप भी वहाँ से जाके ले सकते हो। जो अमेज़ॉन और जो बेसिक साइट्स पे मिलते हैं, आप प्लीज़ उन्हें मत मंगाइएगा, क्योंकि जो मैंने मंगाए थे स्टार्टिंग के, मेरे जो दो मैंने मंगाए थे खुद से, वो दोनों के दोनों इसमें फ़िट नहीं हुए थे और मेरा ख़राब गया था वो फालतू का। और मंगाओ 2-3 हज़ार के आते हैं और ये सब, तो इनकी प्राइस बता देता हूँ मैं। तो ये मेरे को एक पड़ा है 3,000 का, तो दोनों मेरे को ऑलमोस्ट ऐसे पड़े हैं 6,500 के, तो लाइक विद डिलीवरी सब कुछ। तो 6,000 में आपको आपके रिम इतने सेक्सी मिल जाएंगे, सीरियसली बता रहा हूँ। एंड इससे सस्ते भी आते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि मत लगाना, वो जल्दी टूटेंगे और मेरे हिसाब से शायद वो फिट भी नहीं आएंगे।
एंड जो साइट मैंने दी है मेरा एसोसिएशन से कुछ नहीं है, आप उसी लिंक को चाहे आप कहीं भी खोल लेना या साइट का डायरेक्ट नेम सर्च कर लेना, बट वही मंगाना अगर आप पे सुपर बाइक है तो। एंड मज़े की बात यह है कि ये जो टायर, ये जो रिम कवर्स हैं, ये और बाइक्स के लिए भी आते हैं, KTM, यामाहा और बाकी जो बाइक्स हैं जो कम CC में भी हैं उनके लिए भी ये आने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब 17 इंच का अगर आपका टायर है तो ये इजीली इसमें लग जाएंगे आपके Z900 के, मतलब जो स्पोर्ट्स बाइक है खैर जैसे इनके, तो ये तो अलग से आए हैं, बट और बाइक्स के जो आते हैं वो लाइक सभी बाइक्स में लग जाते हैं। सो इसके लुक्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, और सही बताऊँ ये मैंने की है टेपिंग। सो कैसी लगी टेपिंग प्लीज़ कमेंट्स में बताना, कमेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है वीडियो को। एंड इसका एक और बार रिम्स दिखा देता हूँ। सो आपको चाहिए होगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ऑर्डर कर सकते हो। दो लिंक दूंगा मैं, एक तो नॉर्मल बाइक अगर आपकी लाइक कोई 200 CC, 250 CC, 390 CC या कोई भी CC की बाइक है उसके लिए एक अलग साइट है, वो सस्ते वाले हैं। सस्ते मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको सस्ते वैसे रेफर कर रहा हूँ, मैं वो मतलब वो सस्ते भी पड़ेंगे और वो उसी क्वालिटी में है। और ये सांड आना तो नहीं चाहिए यहाँ पर, फक आउच भाई, गांड फाड़ दी। ओ भाई रेस रूस लग रही है मेरे हिसाब से, हट जा कबूतर, सही बता रहा हूँ, फैला के चले जाएंगे इधर को ये। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैं दो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक तो अगर आपके पास अगर सुपर बाइक मतलब आपका टायर साइज़, अगर आपका रिम का साइज़ 17 है और आपका लाइक सुपर बाइक है तो आपका रिम साइज़ भी चौड़ा होगा, तो उसमें जो लिंक 2 वाला है, जो मैं जहाँ से मैंने मंगाया आप वहाँ से मंगाना तो ही आपकी बाइक में फिट आएंगे, वरना आप कहीं और से मंगाओगे वो फिट नहीं आने हैं, पैसे वेस्ट होंगे, बहुत चीज़ें हैं एंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। और दूसरा लिंक जो होगा, जो KTM बजाज ये सब बाइक्स है वो उनके लिए है, सो आप वहाँ से जाके मंगा सकते हो। एंड सीरियसली इसके लिए मुझे कोई वो नहीं मिला है कि भाई तुम हमारे लिए वीडियो डालो या कुछ, एंड ये एक बर्थडे गिफ्ट था और ये इतना अच्छा रहा कि मतलब मैंने 3 बार मंगाया, मैं सही साइज़ नहीं मंगा पाया और श्रेया ने इसको एक बारी में मंगाया और एक ही बारी में ये एकदम फिट भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए होंगे कावासाकी। सो कैसी लगी बाइक आपको, क्या इनको आपको रिम कवर से, देखो मेरे को तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, अब देखो इसको, एंड सीरियसली बहुत हैवी टायर्स लग रहे हैं, एंड अब लग रही है ये बिल्कुल टैंक की तरह। आउच भाई, डर लग जाता है ऐसे में। एक बार पास से दिखा देता हूँ मैं ये है क्या। अब दिखेंगे आपको क्लियर ज़्यादा। ये बेसिकली दो साइड का कवर है, एंड ये बड़ी मुश्किल से लगा है सही बताऊँ तो, काफ़ी लाइक मेहनत करनी पड़ी इसको लगाने के लिए, एंड आगे और दिक्कत आई थी क्योंकि ये डबल डिस्क है इसमें, उस साइड भी डिस्क। ये एक हमारा भाई है, इसने साइकिल ली है और ये यहीं पर रहता है। इसकी साइकिल दिखा देते हैं, ठीक है। ये बहुत टाइम से बेचारा, काफ़ी दिनों से मेरे को कह रहा है, मैंने इसकी क्लिप बनाई थी, इसकी और मेरी रेस लगी थी दोनों बाइक पे स्कूटी पे, वो एक्चुअली क्लिप मैं अभी तक डाल नहीं पाया था तो इसी वीडियो के साथ डाल दूंगा। एंड भाई नाम बता दे अपना, आदित्य, ठीक है। तो इसकी साइकिल कैसी लग रही है ये बताना, और इसने अभी ली है साइकिल।